दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो से हम एमएस वर्ड में कृतिदेव फॉन्ट का यूज करते हुए भारतीय शास्त्रीय संगीत के सरगम यानी सारे गामा प तीनों सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में किस प्रकार से तीनों सप्तक को लिखना सीखेंगे। दोस्तों इसे किस प्रकार से एमएस वर्ड में टाइप किया जा सकता है, आइए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एमएस वर्ड में पहले से एक टेबल में सारे गमा पर तीनों सप्तक के चिन्हों को लिखा है और उनके नीचे बताया किस प्रकार से उन्हें टाइप किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आप सा देख लें, सा के नीचे अगर बिंदी लगानी है आपको तो आपको टाइप करना है ये वाला करेक्टर, यानी आपको एल प्रेस करना है स्मॉल, उसके बाद के प्रेस करना है और उसके बाद प्लस का निशान जो आपको बैक स्पेस के साथ जिसकी में इक्वल टू का साइन भी है और प्लस का साइन भी है उसको आपने शिफ्ट के साथ प्रेस कर देना है। अगर आप ये तीन करेक्टर प्रेस करेंगे तो सा के साथ बिंदी लग के आएगी। इसी प्रकार से रे के लिए रहेगा और रे में जो है इसको नीचे अंडरलाइन भी किया गया क्योंकि यह कोमल रे है, तो अंडरलाइन के लिए आप कॉमन कंट्रोल यू करेंगे या फिर आप यहाँ पर होम में यू जो बना है इस पे क्लिक कर देंगे। जहां जहां भी अंडरलाइन किया गया है सभी जगह अंडरलाइन करने के लिए आपको अंडरलाइन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है या आप शॉर्टकट CTRL प्लस यू का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे की बिंदी के लिए आप सभी जगह देखें तो प्लस का निशान लगा है, यानी प्लस से नीचे बिंदी आ जाती है और ऊपर की बिंदी तो आप जानते ही हैं ए से आएगी। इसको एक एक करते हुए हम एक बार टाइप कर लेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैं एक नया एमएस वर्ड का पेज ओपन कर लेता हूं। यहां पर मैंने एक नया एमएस वर्ड का पेज ओपन किया और फॉन्ट सबसे पहले कृति देव 010 आपने चूज कर लेना है। उसके बाद अब हमें सा लिखना है बिंदी के साथ, यानी मंद्र सप्तक का सा लिखना है। तो आप सौ के लिए, सा के लिए पहले सौ लिखेंगे जिसके लिए आप स्मॉल एल प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इक्वल टू का साइन लगा देना है। अगर आप बिंदी थोड़ा सा आगे चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर लें। उसके बाद आपने आ की मात्रा के लिए के प्रेस कर देना है। यहाँ पर बिंदी बीच में है, आप बीच में चाहते हैं तो आप लास्ट में प्लस करेंगे। अगर आप थोड़ा सा आगे चाहते हैं तो आप अक्षर के बाद बिंदी लगाएंगे फिर उसके बाद आ की मात्रा। इसके बाद अब रे लिखना है, रे के लिए आप जे प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जे प्रेस किया, उसके बाद आपको प्लस करना है, यानी शिफ्ट के साथ प्लस का निशान जो आपको इक्वल टू के साथ मिलेगा और उसके बाद मात्रा के लिए स्मॉल एस। इसी प्रकार से अब पर उसके बाद इसको पूरे को सिलेक्ट करें और उसके बाद CTRL प्लस U कीबोर्ड से आप प्रेस कर दें या फिर आप यहां पर U पे जो अंडरलाइन के लिए है उस पे क्लिक कर दें। रे के बाद शुद्ध रे हमें लिखना है तो र के लिए हमने J लिखा, फिर मात्रा के लिए S और उसके बाद शिफ्ट के साथ प्लस लगाया, नीचे की बिंदी आ गई। फिर उसके बाद स्पेस देके हमें ग लिखना है, ग के लिए एक्स लिया, उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ प्लस लिया और उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है तो पहले आप इस पूरे को सिलेक्ट जरूर कर लें, अदरवाइज अंडरलाइन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। और फिर आपने यू पे क्लिक किया या आपने शॉर्टकट CTRL प्लस यू कर लिया। उसके बाद आपने ग लिखा बिंदी के लिए शिफ्ट के साथ प्लस और उसके बाद स्पेस दिया, फिर मौ लिखा, मौ के लिए नीचे आपको बिंदी लगानी है। सभी में जो बिंदी लगी है वो बताती है मंद्र सप्तक के हैं, मंद्र सप्तक में सभी के नीचे बिंदी रहती है और तार सप्तक में बिंदी ऊपर चली जाती है। अब दोस्तों तीव्र मौ लिखने के लिए आपको एक टेक्निक का यूज करना होगा, एक ट्रिक का यूज करना होगा। आपको सबसे पहले मौ लिखना है, मौ लिखने के बाद आपने बिंदी ऊपर की लगा देनी है, इसके लिए आपने ए प्रेस करना है और उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ उस बिंदी को सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने का तरीका ये रहेगा, बिंदी लगाने के बाद
आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की, और ऐसा लगेगा जैसे सिलेक्टेड है लेकिन दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से इसका फॉन्ट साइज कम कर देना है। फॉन्ट साइज कम करने के लिए आपने CTRL प्लस कर्ली ब्रैकेट, जो कि आपका स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट है, उसका यूज करना है। और आप जैसे जैसे धीरे धीरे कम करेंगे, ये बिंदी बिल्कुल म के पास आती चली जाएगी। जब ये इसके साथ चिपक जाए तो ये म तीव्र म जैसा निशान बन जाता है। इस ट्रिक से आप तीव्र म बना सकते हैं, और इसके अलावा तीव्र म बनाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। टॉप पे हम बिंदी ही लगा सकते हैं, सीधी एक रेखा हम नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए हम सीधी रेखा इस प्रकार से बनाएंगे। आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको क्या करना है। इसको मैं डिलीट करके फिर से बता रहा हूं, आपको म लिखना है। म लिखने के लिए आपने ई प्रेस किया, फिर उसके बाद आपने बिंदी लगाई शिफ्ट के साथ, इसके बाद बिंदी लगाई शिफ्ट के साथ प्लस का निशान, नीचे की बिंदी, ऊपर की बिंदी के लिए आपने ए प्रेस किया, और उसके बाद फिर शिफ्ट और लेफ्ट एरो की एक बार प्रेस किया। स्क्रीन पे ऐसा लगेगा कि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बिंदी सिलेक्टेड हो चुकी है। और उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट को एक एक करते हुए प्रेस कर देना है। आप देखेंगे फॉन्ट में, तो फॉन्ट यहाँ कम होता चला जाएगा और बिंदी आपके नजदीक आती चली जाएगी। इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लें, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप तीव्र म बना लेंगे। उसके बाद प लिखा, प के लिए फिर आप फॉन्ट साइज अपने हिसाब से रख लें, जितना भी आप रखना चाहें। और उसके बाद नीचे की बिंदी के लिए वही शिफ्ट के साथ प्लस, उसके बाद ध लिखा स्लैश से, आ की मात्रा लगाई के से, और उसके बाद शिफ्ट के साथ प्लस लिया, नीचे की बिंदी लगी। इसी प्रकार से ध फिर से लिखा, आ की मात्रा लगाई, ठीक हर अक्षर के नीचे बताया गया है कि क्या प्रेस करने से यह अक्षर बनेगा। शर्त एक ही है, आपने फॉन्ट कृतिदेव चूज करके रखना है। तो अगर आप कृतिदेव चूज करके रखेंगे तो हिंदी में आएगा, अदरवाइज इंग्लिश में आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। द के बाद नी के लिए मात्रा जो है एफ से आती है, फिर यू से न आया, फिर उसके नीचे की बिंदी शिफ्ट के साथ प्लस से आई, और उसके बाद इसको ध, इस ध को अंडरलाइन करना सिलेक्ट किया, अंडरलाइन पे क्लिक किया, इस नी को भी सिलेक्ट किया, अंडरलाइन पे क्लिक किया, अंडरलाइन सभी जगह एक ही तरह से रहेगा। इसी प्रकार से नी, जब आप अंडरलाइन किए हो उसके बाद सीधे लिखते हैं तो क्या होगा, अगला भी अंडरलाइन हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाए दोस्तों, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने उस अगले अक्षर को सिलेक्ट करना है और फिर अंडरलाइन पे दोबारा करेंगे। CTRL प्लस U एक बार करेंगे तो अंडरलाइन आएगा, दूसरी बार करेंगे तो अंडरलाइन नहीं आएगा, और इसके नीचे बिंदी लगाने के लिए फिर वही तरीका रहेगा। दोस्तों यहां पर भी हमने बिंदी नहीं लगाई है, तो आप यहां पर प्लस का निशान जरूर लगा लें इस प्रकार से। हमने मंद्र सप्तक के सारे सरगम लिख ली है। इसके बाद मध्य सप्तक की आप देख लें, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरलाइन ही है और बाकी सामान्य सा है। तीव्र म बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया वो आप फिर से एक बार ट्राई कर लें। इसको मैं एक बार फिर से बड़े पेज पे करके दिखाता हूं। तीव्र म बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपने आपने म लिखा, उसके बाद बिंदी ऊपर की लगाई, फिर शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की एक बार प्रेस किया, बिंदी सिलेक्ट होती है, और उसके बाद आपने फॉन्ट में जाना है, फॉन्ट को कम कर देना है। आप धीरे धीरे कम करेंगे, अब जैसे मैं इसको 30 करता हूं तो देखिए नीचे आ गई है। बहुत ज्यादा करेंगे तो ये बिंदी नीचे चली जाएगी, तो आप धीरे धीरे बिंदी को कम करेंगे और ये तीव्र म जैसा बन जाएगा। इसको आप एक बार देख लें, और बड़ा कर रहा हूं तो बिंदी दूर जा रही है। आप इस बिंदी को ही सिलेक्ट करें, इसके लिए आप बिंदी को सिलेक्ट करने को बिंदी लगाने के बाद शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की करेंगे तो बिंदी लग जाएगी। उसके बाद आपने फॉन्ट साइज कम करना है, ये इसके साथ लग जाएगा और तीव्र म बन जाएगा इस प्रकार से। इसी तरह तार सप्तक में आएंगे तो टॉप पे बिंदी लगनी और कुछ भी नहीं होना है। यहाँ तीव्र म में सा के लिए बिंदी लगी, बिल्कुल आसान है, एल प्रेस किया के, उसके बाद ए। इसी तरह जे ए एस और अंडरलाइन के लिए आपने CTRL प्लस यू किया। इसी तरह रे के लिए, ग के लिए अंडरलाइन ही किया गया और कुछ भी नहीं है।
यहां पर तिब्रमों में दो बिंदियां लगती हैं, ये किस प्रकार लगेंगी इसको आप सीख लें। इसके लिए दोस्तों क्या किया गया है, जैसे इसमें दो बिंदियां लगानी है, तिब्रमों जो है आपका तार सप्तक का किस प्रकार से बनेगा, इसके लिए आपने सबसे पहले शिफ्ट के साथ ई प्रेस करना है, यानी आपने कैपिटल ई प्रेस करना है, आप देख लें यहां लिखा है कैपिटल ई। उसके बाद आपने ए प्रेस करना, फिर के प्रेस करना, फिर ए प्रेस करना है, उसके बाद आपने बिंदी लगा लेनी है, यानी ए प्रेस करना है, फिर उसके बाद आ की मात्रा लगा लेनी है, उसके बाद फिर बिंदी लगा लेनी है। तो दो बिंदियां लगी, जो लास्ट वाली बिंदी है उसको सिलेक्ट करके उसको फिर आपने उसका फॉन्ट साइज कम कर देना है। उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या आप सीधे ही यहां से भी इसको कम कर सकते हैं। ये तिब्रमों के लिए हो गया, और दूसरी बिंदी ये बता रही है कि ये आपका तार सप्तक का है, यानी इस प्रकार से आप दो बिंदियां लगा करके बता सकते हैं ये तार सप्तक का मौ है, तीव्र मौ है। इसी प्रकार से पौ के पे बिंदी लगी, ध में भी इसी तरह से है, और नी भी, और अंडरलाइन किया गया है। सबके नीचे इसके टाइप करने के लिए कौन सी की आपको अंग्रेजी वाले कीबोर्ड में प्रेस करनी है वो बताया गया है। शर्त ये कि आपको कृतिदेव फॉन्ट लेना है, उसके बाद इस प्रकार से टाइप करेंगे तो बड़ी आसानी से आप सारे गमा पा लिख पाएंगे। दोस्तों एक दर्शक ने पूछा था कि इस प्रकार से हम शास्त्रीय संगीत के सरगम लिख पाएंगे, तो उनको इस वीडियो के जरिए मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार से आप करेंगे तो आप सरगम लिख पाएंगे, आप गीतों की सरगम लिखें, टाइप करें। अगर फिर भी कोई किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।